नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पिछले दिनों रीवा के ओवरब्रिज के नीचे विक्षिप्त हालत में एक महिला मिली थी। उसको संजय गांधी अस्पताल के मानसिक वार्ड में भर्ती करा दिया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसको बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर भेजने का निर्णय लिया। इसके लिए जिला प्रशासन सामने आया। उसने महिला बाल विकास और रेड क्रॉस के सहयोग से महिला को ग्वालियर भेजा। मानसिक रूप से कमजोर महिला को जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस और महिला बाल विकास के द्वारा बेहतर इलाज के लिए भेजा ग्वालियर। हम आपको बता दें, पिछले दिनों रीवा के ओवरब्रिज के नीचे एक महिला विक्षिप्त हालत में मिली थी, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल के मानसिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। महिला विक्षिप्त है, उसको अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं, वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला का और बेहतर उपचार हो इसके लिए ग्वालियर भेजने का निर्णय लिया, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पहल की। महिला बाल विकास और रेड क्रॉस सामने आए। आइए आपको सुनाते हैं उक्त महिला को उपचार की व्यवस्था करवाने वाले अधिकारी और डॉक्टरों के साथ मौके पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। हाँ, ये अज्ञात महिला एनजीओ के द्वारा और महिला बाल विकास के द्वारा यहाँ पे उपचार हेतु लाई गई थी, और ये मानसिक रूप से बीमार थी, जिनको हमारे चिकित्सालय में उपचार दिया गया। इनको आगे के उपचार के लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला भेजा जा रहा है। और हमारी यही आमजनों से अपील है कि कोई भी अगर आपको लावारिस व्यक्ति दिखता है और अगर वो मानसिक रोगी है, तो निश्चित रूप से आप संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय में उसको ला के उपचार हेतु मिल सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, मानसिक रोग विभाग। ये एक महिला हम लोगों को मिली थी सिरमौर ब्रिज के नीचे, जिसे सुदिशा फाउंडेशन की निशा जायसवाल यहाँ तक लेके आई थी, और फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब और डॉक्टर मैडम का काफी इसमें सहयोग रहा। उनको तुरंत हमारी वन स्टॉप की टीम ने इस चीज को कवर किया, और वन स्टॉप की टीम ने एडीजे सर के यहाँ से एक आदेश करवाया, जिसके बाद से जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए हमारी टीम यहाँ से आज उस महिला को उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्वालियर के बड़े हॉस्पिटल में, बड़े मानसिक चिकित्सालय में भेज रही है, जिसके लिए रेड क्रॉस ने काफ़ी सहयोग किया है, वन स्टॉप सेंटर ने काफ़ी सहयोग किया है, प्रेस और मीडिया के लोगों ने, आप सभी लोगों ने इस काम को बहुत अच्छे से लिया है, और आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम ने भी इसमें सहयोग देते हुए उपस्थित हुई हैं। मैं पूरी टीम को इस अच्छे काम के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। एक महिला जो फ्लाईओवर के नीचे प्राप्त हुई थी, जिसे सुदिशा फाउंडेशन और एडीएम साहब ने मिल करके यहाँ पर भेजा था, उसका कई दिनों से इलाज चल रहा था, अब उसको मानसिक रोग चिकित्सालय ग्वालियर भेजा जा रहा है, और मैंने हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है ताकि वो पहुँच सके, और वन स्टॉप सेंटर ने उसमें बहुत हमारी मदद की है। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।